निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट देखेंगे, भूपर्पटी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे, उस यौगिक का नाम क्या है जिसका सूत्र Al2SO4 3 द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एल्यूमिनियम सल्फेट। दोस्तों इसका प्रयोग कपड़ों की छपाई रंगाई में रंगबंधक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग फिटकरी बनाने में भी होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आगे क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी। दोस्तों चांदी हो गया, सोना हो गया और प्लेटिनम, ये सभी नोबेल मेटल हैं जो कि ऑक्सीजन से कभी अभिक्रिया नहीं करती हैं। चलिए आगे देखेंगे, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु के यौगिकों का उपयोग किया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी। चांदी एक चमकदार श्वेत धातु है जिसका गलनांक जो है 960.7 डिग्री सेल्सियस होता है। और वहीं क्वथनांक की बात करें, क्वथनांक एक 1954.9 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए आगे देखेंगे, प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट नोबेल धातु है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी। चलिए आगे देखेंगे, जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर धातु। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो फोटोलिटिक अपघटन अभिक्रिया होती है, जिसके कारण जो सिल्वर क्लोराइड है वो सिल्वर धातु यानी कि और क्लोरीन में टूट जाता है। इसी कारण क्या होता है, इसका रंग भूरा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सर्वश्रेष्ठ चालक है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब सल्फाइड बनता है, आयोडीन गैस बनती है, क्लोरीन गैस बनती है या फिर ब्रोमीन गैस बनती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रोमीन गैस बनती है। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है, ये हैलोजन समूह का सदस्य है, इसकी परमाणु संख्या 35 होती है। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है यानी कि मेलेबल है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चांदी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इसमें
सोना नहीं दिया हुआ है, नहीं तो अगर सोना दिया रहता तो सोना हो जाता। चलिए आगे देखेंगे। चूना क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्लीचिंग पाउडर। इसे कैल्शियम हाइपो क्लोराइड भी कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, कैल्शियम हाइपो क्लोराइड भी कहते हैं। यह एक अकार्बनिक यौगिक है, इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCl2। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे आरंभ कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरंभ जो है वो सोना का लैटिन नाम है, लैटिन नाम है। चलिए आगे देखेंगे। सोना निम्न में से किसमें घुलनशील है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्वारेजिया। सोना जो है वो एक्वारेजिया एक्वारेजिया अम्ल राज में घुलनशील है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 का अनुपात 3:1 के अनुपात में बनाया गया ताज़ा मिश्रण जो होता है वो एक्वारेजिया कहलाता है। ये बहुत अधिक संक्षारक होता है जो गोल्ड और प्लेटिनम जैसी धातुओं को भी विलय कर सकता है।